जब लखन सिंह बरके वालों का नाम आया तो चंद लाइन क्या बात है शाकिर बारी बारी से समस्त युगों के युग धर्म बरतते हैं। वैसे ही इस प्रांगण में विराजमान जितने भी जीव हैं उन सब के अंतःकरण में भी धर्म और अधर्म रूपी भाव उत्पन्न होते हैं और उनका द्वंद युद्ध चलता हुआ रहता है। ऐसे ही इस धरा पर भी धर्म और अधर्म के बीच में संघर्ष होते हुए आए मानवों, जिनसे हमारे ग्रंथ और पुराण भरे हुए हैं। ऐसा ही एक धर्म युद्ध महाभारत रूपी युद्ध हुआ है, जिसमें अर्जुन की अनुपस्थिति में सेनापति द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना होती है और चक्रव्यूह वेदन का जो सेनापतित्व है उसे वीर अभिमन्यु संभालता है और चक्रव्यूह के समस्त किलों को बारी बारी से जीतता हुआ अंतिम किले पर पहुंचता है। तो जिन जिन महारथियों को उसने हराया था वो समस्त महारथी एक साथ युद्ध करने के लिए सामने नजर आते, तो उस समय वो अभिमन्यु अपने सारथी से कहता है कि इस अवस्था में सारथी सहायक है, सारथी ही सलाहकार है और सारथी उसकी ताकत है। मानवा वो तो किस प्रकार अपने सारथी से क्या कह रहा है, अजय
जाल में कोई मेरे पास ना, मछोली फंसी है जाल में कोई मेरे साथ ना। तरफ से आशीर्वाद मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ महान बाबू, जिस प्रकार से मछली जाल में फंस जाती है, आज वो वीर बालक अभिमन्यु यहाँ कौरव दल के जाल में फंसा हुआ है, जिसमें कौन कौन से महारथी सामने हैं कि करण द्रोण भूरी अष्टामा कृपा चारे और दुशासन शल्य शकुन कृत वर्मा छत्री सोमैया संग नाका विदुर करण को छोड़ा धूप सुशर्मा पीरासन किए है, बट अब मनु डिगा दिए सबके
साबित कर चुका है और वो ही अधर्म के साथ उसके सामने युद्ध करने को नजर आते और अपना कोई नजर नहीं आता है, तो आगे क्या हो रहा है? कैसे हो बापा भैया, इस समय तुम्हारी ही शक्ति के बल पर मैं इस कौरव दल में खड़ा हूं और तुम्हारी शक्ति के बल पर आगे मेरा ये रथ चलेगा। तो क्या करता है कि है गए तेज भान को नंदन और तेरे हाक समर ठाड़ो काट्यो धनुष कुमार के कर को सोच रहे हो योद्धा। मान बाबू जब वीर बालक अभिमन्यु अपने बाणों से इस आकाश मंडल को ढक देता है, चारों तरफ विषैले नाग की तरह बाण ही बाण नजर आते हैं, उस अवस्था में कांड की वो करण उसके धनुष की प्रत्यंचा को काट देता है और वो वीर बालक निहत्ता हो जाता है। और उस निहत्या की अवस्था में साथ साथ महारथी अनीति अधर्म और अत्याचार के द्वारा उस पर आक्रमण करके आज उस वीर बालक को इस रणभूमि में हमेशा के लिए सुला देते हैं। मानव बाबू जब उसकी इस बात को उसकी नव विवाहिता धर्म पत्नी सुनती है तो महानुभावो जमी आसमान एक हो जाते हैं। उस वीरांगना की क्या स्थिति होगी जिसका हाल में ही विवाह हुआ हो और विवाह एक सपने की बात ही ढह गया हो, तो किस प्रकार से उसकी सासू उसके पास में आती है और पूछती है, तो क्या कहती है? सासू अरिटा का पड़ गया री हर इंद्र प्रस्थ का राज ताज सारा आज वो चढ़ गया री मेरी सासू आज वो चढ़ गया री जड़ी तेरी साथ तू आज जड़ी।
तो मान बाबू ये 100 रुपये श्री विश्विंदर सिंह जी तहसीलदार साहब पथरोरा वालों की तरफ से और 51 रुपये श्री गुल्टू भगत जी की तरफ से आशीर्वाद। और ये 100 रुपये का पुरस्कार हमारे धर्म सिंह जी यादव संपादक महोदय जी, 50 रुपये का पुरस्कार हमारे रामवीर बाबा नोहबार, 50 रुपये देवेंद्र डीजे साउंड मोड़िया और 50 रुपये का पुरस्कार हमारे बबलू गोविंद सिंह नोहबार वाले देते हैं। हमारे बार बार पार्टी को धन्यवाद। अरे 501 रुपये सरपंच साहब श्री पप्पू राम जी की तरफ से आशीर्वाद, रेटा वालों की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये का पुरस्कार युद्ध का वृत्तांत सुना रही थी, इतने में ही द्वारकाधीश कृष्ण और अर्जुन वहां आते हैं छोटी करके और अपने शिविर में सन्नाटे का कारण पूछते 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 उत्तरा के पास में ही पहुंच जाते हैं। और उत्तरा से ही जब पूछते हैं तो उत्तरा किस प्रकार से अपने ससुर से क्या कह रही है, क्या कह रही है, उस खूबी की प्रशंसा में कहना चाहते हैं, इसके लिए इजाजत चाहिए। बाबा की महिमा भारी और खिल रही जाकी फुलबारी, छाई है अजब बहार, अरे मेलो करो है नोहबा भैया, बाबा की महिमा भारी, खेल रही जाकी फुलबारी, बाबा की महिमा भारी, खेल रही जाकी फुलबारी, छाई है अजब बहार।
जोगेंद्र मलखान जी रेटा वाले तरफ सत्ता बार बार आशीर्वाद। आशीर्वाद दशरथ जी रेटा वाले तरफ से आता है बार बार आशीर्वाद कामना का। और ये